ऐसे कुछ ही हैं इस संसार में माता पिता और गुरु के सदृश जो स्वभाव से ही सबसे प्रेम करते, सबका भला चाहते हैं। और तीसरा जो तुम कह रही हो गोपियों कि वो प्रेम करने वालों से भी नहीं करते, न करने वालों से भी नहीं करते, ये लोग होते हैं चार तरह के। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जिनकी दृष्टि में संसार बचा ही नहीं है महाराज, जो पूर्ण काम हो गए हैं, आप्त काम हो गए हैं, आत्मा राम हो गए हैं, उनकी दृष्टि में संसार ही नहीं बचा है, तो वो किससे प्रेम करें किससे ना करें, बात खत्म हो गई। दूसरे वो होते हैं जो ईश्वर के रास्ते पर चल के कृतकृत तो हो गए, जीवन सफल उनका हो गया है, पर संसार उनको अनुभव में थोड़ा थोड़ा लगता है, पर कृतकृत हो जाने के कारण से वो भी संसार से कोई मतलब नहीं रखते हैं, संसार की तरफ से उदासीन हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, उनको भी संसार से कोई लेना देना नहीं महाराज। ये दूसरे तरह के होते हैं। तीसरे तरह के वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो भी किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। और चौथे तरह के वो होते हैं जो भले ही कोई उनसे प्रेम करे ना करे, पर वो अपनी तरफ से उसका बुरा ही करते रहते हैं, उसका नुकसान ही करते रहते हैं, उसका अहित ही करते रहते हैं। ये चार तरह के लोग होते हैं जो प्रेम करने वाले से, प्रेम न करने वाले से कोई मतलब नहीं रखते महाराज। ये चार तरह के लोग होते हैं। इसमें डाकू से लेकर साधु तक हैं। जयराम जी की बोलो। डाकू से लेकर साधु तक। डाकू कौन है? आप उसका भला करो तो भी आपका बुरा ही करेगा महाराज। दुर्जन, दुष्ट, क्रूर। साधु कौन है? आप उसका बुरा करो तो भी भला करेगा।